कितनी चंट हो ना तुम लोग, किसी एक ने ये नहीं बोला कि हाँ छुट्टी ले लो। और जिसने लिखा भी ना कि हाँ छुट्टी ले लो, वो पता है क्या कह रहा था, छुट्टी ले लो अगर जरूरी है, अगर आपको आराम करना है, वरना रहने दो। मतलब लोग इतने दहशत में हैं कि अगर एक इसने छुट्टी ले ली तो ये दोबारा आएगी नहीं है। मतलब यही यही कीमत रहेगी सीमा की। मतलब क्या कर लोगे अगर तुम लोग, मैं नहीं आऊंगी तो आ सकती हो तुम लोग यहाँ पे, तुम्हें तो एड्रेस भी नहीं पता। गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो सारे कुक्कू लोग आ रहे हैं और कुक्कू लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कैमरा देखते हैं ना वो भाग जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है शायद इसमें कुछ है, या वो अपना काला काला देख के डर जाते हैं। वो सोचते होंगे ये कौन सा काला है जिसकी आँख दिखाई दे रही, एक आँख वाला काला प्राणी। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एंड आज है 27 जनवरी, 26 जनवरी वाला व्लॉग होप आप सबने देख लिया होगा। तो आज किचन में इसलिए लेके आई आप लोगों को, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इट इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, यूट्यूब को भी बता दूँ, इंग्लिश में समझता है। तो आज ना रात को हम देख रहे थे तो उन्होंने चाय पत्ती मंगाई थी वाली बाग बकरी, तो आप में से किसी ने ट्राई करी है क्या ये? क्योंकि अनूप कह रहे थे कि ना इसको बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है, तो मैंने बोला कि इसकी ऐड तो ज़्यादा नहीं आती, पर अनूप कह रहे रेटिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा चलो मंगा के ट्राई करते हैं। तो आज का सवाल ये है कि मेरी सखियों के घर में कौन कौन सी चाय पत्ती आती है, और आप लोग मुझे भी बताओ कि कौन सी चाय पत्ती ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने टाटा टी प्रीमियम ही यूज़ करती थी अभी तक। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। बच तुम्हारी मौसियों है, तुम्हारी सखियों नहीं है, तुम्हारी मौसियों है। तो आज का सवाल ये है कि आप लोग कौन सी चाय पत्ती यूज़ करते हैं, एंड अगर कोई बहुत अच्छी है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जो टी लवर होते हैं ना उन्हें चाय पत्ती का पता चलता है। तो ये मैंने पी और मुझे अच्छी लग रही है, और एक और चाय पत्ती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलो सखियों फटाफट से, आज पार्थो की क्लास है, क्योंकि आपको पता ही है 27 तारीख के आज पार्थो की क्लास है, और मेरे को फटाफट से नहा धो के नाश्ता बना के उसको क्लास में लेके बैठना भी है, उसके बाद में फ्री होके मिलूंगी आपसे, तब तक चाय पत्ती का नाम लिखो, बाय बाय बाय। और आज हमारे घर में सखियों बन रहा है प्याज का पराठा। लो लो, क्या बोला? नो ऑनलाइन क्लासेस टुमारो। तो पार्थू तो यहाँ खेल रहा है सखियों, खूब गंदा करो। और हम उठाएंगे कपड़े, तो सारे कपड़े मैंने रात को ही धो दिए थे, ये देखो इनको चैन नहीं है, इनको तो चैन नहीं है सखियों, तो कपड़े मेरे सूख गए। चलो मैं फटाफट से उठा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये लो सखियों एक और काम रेडी है आपकी सखी के लिए, तय लगाना। हे माय ब्यूटीफुल सखियों, तो नहा के आ गई है आपकी सखी। यहाँ बैठो, नीचे बैठो, आप खाओ आराम से खाओ। और ये क्या, और ये भाई ये सब क्या है पाथू? मेरे रेस्टोरेंट का खाना। आपके रेस्टोरेंट का खाना? ओ माय गॉड। तो आज मैं क्या बना रही हूँ सखियों, सिंपल मटर पुलाव, जिसमें है मटर, गाजर, आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, लहसुन एंड ऑब्वियसली राइस, और ये रहा थोड़ा सा घी। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं। क्या हुआ बेटा, क्या किया? अब आपने इस बड़े बॉक्स को मारो। क्लीन कर दिया? ऑल डन, वेरी गुड। ये क्या कर रहे हो? सब क्लीन कर दिया? आहा, शाबाश मेरी जान, शाबाश मेरी जान, यही तो मेरा हीरो है, यही तो मेरी जान है, मेरी जान को सब पता है कौन सा सामान कहाँ रखते हैं ना जान, शाबाश, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थोड़ा सा अंदर डाल लीजिए, नाउ दैट्स गुड।
पार्थो का क्लीन मैस हो चुका है। ना बाबा ना, ये आपने उठाना, हटो हटो हटो, ये मम्मा रखेगी, ये मम्मा रखेगी। ठीक है ये सखियो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना एक बॉक्स है, आपको याद होगा उस कमरे में एक बहुत बड़ा सा वो एक मेज जैसा था, तो वो टुड़वा के मैंने ना पार्थो के लिए देखो स्टोरेज बॉक्स बनवा दिया था, और ये इसके अंदर फिट हो जाता है। पर तो ये बॉक्स है ना, मैंने इसके अकॉर्डिंग बनवाया था, तो जब चाहे निकालो, फिर इसमें रखो और इसको बंद कर दो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना पार्थो, दिखाएं सखियों को। ये इसके अंदर चला जाता है, ये वुड का है ना, तो थोड़ा हैवी है सखियों, पर है काम का, है ना पार्थो। ये देखो गायब है ना सखियों, तो ये छुप गए पार्थो के खिलौने इसमें। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be, in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. हमने खाना खा लिया है और बस अनुपात घर पे है नहीं, और अब बस 15 मिनट में रेस्ट करूंगी, आप लोग के कमेंट पढ़ूंगी, क्योंकि उसके लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना रिप्लाई करने के लिए। और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हार्ट दे दूँ, स्माइली दे दूँ, क्योंकि सबको लिखना पॉसिबल नहीं होता। और फिर उसके बाद बैठ जाऊँगी एडिटिंग पे, और आज आपको शाम को नीचे भी लेके चलूँगी पार्थो को, और साइकिल चलाएंगे। जब से लिए ना जंग लग रही है, बस ये क्या करता है नीचे जाता है, रोज़ खेलता है बच्चों के संग, साइकिल नहीं चलाता, और वो फिर पड़े पड़े जंग लग जाएगी। तो इसको ना 5-6 राउंड साइकिल के दिलवा के फिर मैं ऊपर आऊँगी, फिर ये खेलता रहेगा, और फिर करेंगे वीडियो का एंड चाय पी के। ठीक है, तो चलो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और फिर
फालतू के संग साइकिल चलाने चलेंगे। चलोगी? हाँ, चलना ही पड़ेगा। नहीं क्या होता है, चलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, चलना ही पड़ेगा, बोल दिया बस। चलो चलो, दिखाओ जरा कितना रेडी हुए हो, दिखाओ जरा। बाबा रे, चलो लेट्स गो। डैडा को बाय बोलो। बाय। अच्छा कल्प और केवल को भी बोल दो, नीचे आर्यन बुला रहा है। हाँ मैं बेल दबा। चलो मम्मी पीछे बैठेगी। मम्मी तो गिर जाएगी ना। I am vlogging. Go. Five round. इधर से जाओ, इधर से। इधर से जाओ, इधर से जाओ। Go, go, go. करे, करे। Yes. Come. Go. Go, Anya. Go. देखा, आप चलाते नहीं हो ना रोज, इसीलिए ये खराब हो रही है। इसको चलाना है रोज रोज। तो गो फास्ट, गो फास्ट, आप तो रह रहे हो, गो फास्ट। क्या हुआ, साइकिल टाइट हो रही है बेटा? हाँ, क्या हो रहा है? चलो अच्छे से नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं, ग्रीसिंग करेंगे। चलो 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 चलो, आप तो पीछे आगे देखोगे तो फास्ट चलाओगे ना बच्चा। नहीं आने वाले, वो उधर वेट करेंगे आपका। क्या हो रहा है, टाइट हो रही है? आई थिंक इसमें ना ग्रीस की जरूरत है पाथू। चल कोई नहीं, थोड़ा चलाएगा ना तो अभी ठीक हो जाएगी। और कार से दूर बेटे। गो पाथू गो। अरे हो गया। चलो चलो चलो। अरे हो गया। हाँ हाँ चलो तो सही, चलो तो सही। राजवीर नहीं आ रहा है? राजवीर नहीं आ रहा, आ रहे? चलो बस पार, तू हो गया। हाँ चलो पातो, जल्दी करो। ये सखियों, तो पार्थू ने साइकिल चला ली और उसकी साइकिल आई थिंक जाम हो रही है, तो उन उससे पूछती हूँ क्या करना है। अब चलते हैं ऊपर चाय पीने। ओहो 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 ओहो, इस ओहो को तो ओहो। बाबू लाइट तो जला दिया करो, शाम हो गई है। चुप जाओ, दिन नहीं होती, 4 बजे के बाद माँ लक्ष्मी आती है। सखियों, ए सखियों, पता है जब कोई गलत काम करते हैं तो उसके बाद बहुत शर्म आती है ना, मतलब अपनी गलती को स्वीकार करने में। तो ऐसे ही हो रहा है मुझे। रुको, मतलब तुम लोग कहोगी कि यार वही बात कर दी ना सीमा तुमने, पहले तो ऐसे बोल रही थी, आखिर किया तो वही काम। तो यार मैंने बताया है कि मैं तुम्हारे जैसी हूँ, मैं तुम्हारे जैसी हूँ, तो मैं तुम्हारे जैसे काम करूँगी। और ऐसी गलती करने के बाद जो शर्मिंदगी होती है, उससे बचने के लिए मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं ना कब से सोच रही हूँ कि अनूप को बोलूँ कि मेरे संग लोखंड वाला चलो, वो जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है ना, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं चेंज करना चाहती हूँ। और मैंने टेलर को कल रात को ही रोक दिया था 9 बजे फ़ोन करके कि भैया आप स्टिच मत करना, मैं आऊँगी, मैं डिज़ाइन दोबारा दूँगी। और जो डिज़ाइन मुझे अब पसंद आया ना, वो उनको समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा। और अब जाना पड़ेगा तो पति को कैसे मनाऊं, तो बस उसी कश्मकश में मैं थोड़ी सी बिज़ी हूं। और मतलब बिज़ी क्या हूं, मैंने ना उनको आते ही साथ बोला कि बोलो चलो आज आपकी स्कूटी में कहीं घूमने चलते हैं, ताकि वो खुश हो जाए। मुझे कब से स्कूटी में घुमाना चाहते हैं और खुश हो जाएँ। स्कूटी हमारी नहीं है, मतलब उनके स्टूडेंट की है, तो वो छोड़ के गए थे मुंबई में, तो उन्होंने बोला था सर आप चलाना। तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से बाइक तो चलाते थे, स्कूटी ना मुझे सेफ नहीं लगती, पता नहीं क्यों, तो डर लगता है मुझे। और अब
हिम्मत नहीं हो रही है पति को ये बोलने की कि पति दोबारा लोखंड वाला जाना है, क्योंकि वो बोलेंगे कि कल क्या दिमाग में घास भरा हुआ था कि कल क्यों नहीं बताया। तो चिड़ेंगे, चिड़ते रहे, पर जाना तो पड़ेगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं ऑटो में बैठ के चली जाऊँगी, पर मैं जाऊँगी सकी हूँ। ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे, ब्लाउज़ है भाई, औरत का ब्लाउज ऐसे कोई सिल देगा? मतलब नहीं, मैं जाऊँगी सकी हूँ। कितनी चंट हो ना तुम लोग, किसी एक ने ये नहीं बोला कि हाँ छुट्टी ले लो, और जिसने लिखा भी ना कि हाँ छुट्टी ले लो, वो पता है क्या कह रहा था? छुट्टी ले लो अगर जरूरी है, अगर आपको आराम करना है, वरना रहने दो। मतलब लोग इतने दहशत में हैं कि अगर एक इसने छुट्टी ले ली तो ये दोबारा आएगी नहीं है। मतलब यही कीमत रहेगी सीमा की। मतलब क्या कर लोगे अगर तुम लोग, मैं नहीं आऊँगी तो? आ सकती हो तुम लोग यहाँ पे? तुम्हें तो एड्रेस भी नहीं पता। तो चलो सखियों, मैं फाइनली जाने की कोशिश करती हूँ लोखंड वाला। आज नहीं ले जाऊँगी, आज तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं आज लेके नहीं जाऊँगी। नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी, बस कह दिया। तो मैं जा रही हूँ आज लोखंड वाला। अनुपमा पे ना थोड़ा डर डर के बोल रही हूँ, तो फिर आऊँगी, तब मिलूँगी कल। कल किचन ऑर्गेनाइजेशन बनाती हूँ, ढूंढती हूँ, वो वीडियो मिल गई तो बना दूँगी। और हाँ, पुड़का का मतलब होता है छोटी, छोटा, तो इसलिए मुझे, मैं छोटी थी तो इसलिए मुझे पुड़का बोलते थे, ठीक है। तो चलो अब आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई वीडियो के साथ और एक दिनचर्या के साथ मेरी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। लबो ऑल माई ब्यूटिफुल सखियों, बाय बाय। चलो बाय। YouTube पे मिला? हाँ, इसका स्नैपशॉट करके भेज सकती है क्या मुझे? ऐसी तो सिलवाना है। ए, मिल गया सखी, डिजाइन मिल गया ब्लाउज का। उनको जैसे ही बहुत करना करिश्मा कपूर का टेलर को ना सीधा पूरा गाना। मैंने कल टेलर को पूरा गाना ही तो भेजा है। तो वो कह रहा मैडम गाना खुल नहीं रहा है। मैंने कहा भैया मैं खुद आती हूँ। हम दोनों दोस्त आ गए। तू डैडी क्या सोच रहे होंगे आज?